भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों और भाइयों, निरीक्षण का ये दौर चल रहा है, आइए देखते हैं इस समय क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको सावधानियों में बरतनी है। आपको यह भी बता दें कि 20 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के मध्य में सत्यापन कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। अधिकारी लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, कहीं कहीं मंत्री भी जा रहे हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी वो बुनियादी चीजें हैं जिनको लेकर के सत्यापन रिपोर्ट तैयार होती है, तो आइए उस चीज पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नीचे दिया है आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति का भी, तो देखो यहां पर भी जो दे दिया गया है, अभी हम सबसे पहले इसी पर जो है चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाले पर। जैसे केंद्र स्थल तथा कार्यकर्ती का नाम, साथ ही निरीक्षण किए जाने का समय, आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे कि शौचालय, विद्युत, पेयजल व भवन, इन सब के बारे में। केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के जो पंजीकृत बच्चे हैं उनकी संख्या के सापेक्ष उपस्थिति बच्चों की संख्या कितनी है वो, साथ ही वजन के आधार पर सामान्य यानी हरी श्रेणी में कितने हैं, कुपोषित यानी कि पीली श्रेणी में कितने हैं और अति कुपोषित यानी कि लाल श्रेणी में कितने हैं, वह सैम मैम बच्चों की अलग अलग संख्या वहां पर दर्शानी है। अति कुपोषित और सैम मैम बच्चों के स्वास्थ्य जांच की स्थिति क्या है। ठीक, अब मैंने आपको बताया, 2 दिन पहले से बता रहा हूं कि 25 से लेकर 30 के बीच में वजन वाला कार्यक्रम है, सब कुछ कर लो, रिपोर्टें जाएंगी, तो इस काम को जल्द से जल्द कर जो कर लो। आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों जैसे कि बेबी वजन मशीन, एडल्ट वजन मशीन, स्टेरियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इनकी उपलब्धता का विवरण वो सब जो है पूछेंगे। खेलकूद के मैदान की स्थिति, जैसे क्या ग्राम में खेल का मैदान विकसित किया गया, यदि हाँ तो कराए गए कार्यों का विवरण भी वहां पर भरना है। तो इस तरीके से यहां पर यह हो गया आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर। अब यहां पर यह देख लो कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक पाठशाला में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कराए गए कार्य, अब इनमें क्या है, निरीक्षण किए जाने का समय पूछेंगे और कुल पंजीकृत छात्र छात्राओं के सापेक्ष उनकी उपस्थिति वहां कैसी रही, विद्यालय में कार्यरत कुल कर्मचारियों के सापेक्ष उपस्थिति कैसी रही, अनुपस्थित जो भी होंगे उनका नाम और पदनाम लिख लेना है, और शुद्ध व सुरक्षित पेयजल हाँ या नहीं में वो, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय है कि नहीं, शौचालय में पानी की व्यवस्था है कि नहीं, दिव्यांग सुलभ शौचालय है कि नहीं, और जो है मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट लगे हैं कि नहीं, कक्षा कक्ष की फर्श टाइलीकरण है कि नहीं, विद्यालय परिसर में दिव्यांग रैंप और रेलिंग है कि नहीं, विद्यालय का विद्युत संयोजन कैसा है, कक्षा कक्ष में वायरिंग कैसी है और विद्युत उपकरण कैसे हैं, सुरक्षित जो है यहाँ पर चार दीवारी है कि नहीं, कक्षा कक्ष की फर्श टाइलीकरण हुआ कि नहीं, प्रत्येक कक्षा कक्ष में श्याम पट है कि नहीं यानी बोर्ड, रसोई घर है कि नहीं, विद्यालय की समुचित साफ सफाई, रंगाई पुताई ये है कि नहीं, फर्नीचर और डेस्क बेंच आदि की छात्रों की मात्रा और स्थिति है कि नहीं, विद्यालय में पोषण वाटिका, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास ये सब है कि नहीं। तो ये हो गया किससे जुड़ा हुआ, ये हो गया आपका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वाले लेवल पर, और आंगनबाड़ी का भी आपने देखा। अब कुछ और भी हैं, उनको भी आपको हम बता देते हैं, और आपको एक बात बता दें कि इस वाली जानकारी को सोमती शर्मा बहने कानपुर से उन्होंने भेजा है, तो अभी हम बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो है हम आप लोगों को एक चीज और बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर जिलाधिकारी जो कानपुर नगर के हैं, उन्होंने 24 सितंबर को वैशाखा जी हैं जिलाधिकारी, और उनके द्वारा ये आदेश निकाल दिया गया, जिसमें उन्होंने देखो साफ साफ लिखा भी है कि शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्थलीय सत्यापन निरीक्षण के लिए संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को न्याय पंचायतवार ग्राम आवंटित किए गए हैं, निर्देश किया गया है, और कि जो है यहां पर मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में आप अपने नाम के सम्मुख अंकित न्याय पंचायत की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्राम पंचायत में कार्य सचिवालय की स्थिति व हर घर नल से जल योजना, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, गौशाला की स्थिति, अमृत सरोवर योजना, कायाकल्प योजना, इनके अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन आदि की स्थिति, खेल का मैदान आदि की उपलब्धता,
क्रियाशीलता व सत्यापन करते हुए सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित अवधि में जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं। प्रत्येक ग्राम विकास के सत्यापन संबंधी कार्य में किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर कार्य दिवस में 7 बजे से 1 बजे के बीच में पूर्ण करके सॉफ्ट वगैरह और हार्ड कॉपी में सत्यापन के आगामी 2 कार्य दिवसों में जिला विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। जिला विकास अधिकारी प्राप्त सत्यापन में पाई गई कमियों की संकलित सूचना अधोस्ताक्षरी के माध्यम से संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे और उपरोक्त सत्यापन कार्य 15 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाना है। तो 15 अक्टूबर तक जो है जिलाधिकारी कानपुर नगर विशाखा जी की तरफ से लेटर है, इस तरह से निरीक्षण होंगे। आइए कुछ निरीक्षणों पर हम लोग फोकस कर लेते हैं और आपको बताते हैं। और ये देखो 20 से लेकर 15 तक के पूरा सत्यापन करने वाले अधिकारियों की लिस्ट भी दे दी गई है कि किसका कौन सी न्याय पंचायतों को जो है वहां पर निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो इसको छोड़ते हैं पीछे क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए सत्यापन रिपोर्टों पर। तो यहां पर आप देख सकती हैं सत्यापन की ये रिपोर्ट जो कि आपके वहां अगर कोई विकास खंड में आता है तो वहां पर क्या क्या देखेगा, या आपके गांव में मान लो आता है तो वहां क्या क्या देखेगा और किन चीजों को लेकर के सत्यापन रिपोर्ट में भरा जाएगा। तो राजस्व ग्राम का जैसे नाम हो गया, ये तो हो गई रिपोर्ट तैयार करना, राजस्व ग्राम में निहित उसके मजरे का नाम और निरीक्षण का दिनांक, जिस दिन भी अधिकारी या मंत्री जिसका भी निरीक्षण होगा तो इस तरीके से वो देखो निरीक्षण का दिनांक पड़ेगा, सत्यापन अधिकारी का नाम पड़ेगा, सत्यापन अधिकारी का पदनाम पड़ेगा। तो जो भी अधिकारी सत्यापन करने आएगा ये उसको ये भरना होगा, लेकिन हम सबको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भरेगा तो तभी जब आपसे वो पूछेगा और इन चीजों पर जानकारी लेगा। काफी बहनें जिनको जानकारी नहीं हो पाती है तो वो डर की वजह से जो है कुछ भी बता नहीं पाती है, और पहले से पता होगा तो आपके पास उसके जो है जवाब देने के लिए भी जो है जवाब होंगे। अब देखो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़ी हुई चीजें पूछी जा सकती हैं और इन पर यानी रिपोर्ट भरी जाती है। जैसे ग्राम में निर्मित सामुदायिक शौचालय की स्थिति और आबादी से उसकी दूरी कितनी है, ये वहां पर हो जाएगा। तो आपके वहां सामुदायिक शौचालय बना है कि नहीं वो पूछ सकता है, और जो है कितनी दूर पर है ये आपसे पूछ लेगा। अब दूरी का मतलब ये नहीं कि आप पटरी लेकर के उसकी दूरी नापेंगी, ऐसे नहीं, मतलब अनुमानतः ऐसे बता देंगी कि हाँ गांव की आबादी के पास ही में है, वहां पे है या इधर है, ऐसे ही आप बता देंगी। क्या निर्मित शौचालय पूर्ण है एवं दरवाजे या CIB बोर्ड वगैरह आदि लगा है, तो उस पर जानकारी आपको देनी है कि शौचालय जो है पूर्ण उसका काम हो गया है निर्माण का, या फिर उसके या और दरवाजे वगैरह सब लगे भी हैं क्यों नहीं कि नहीं, क्योंकि दरवाजे ही तो शौचालय में मेन है। अब देखो सामुदायिक शौचालय खुला पाया गया है अथवा नहीं, तो वहां पर भी वो विजिट करेंगे कि वो खुला है कि बंद है, विजिट का समय भी अंकित करेंगे कि कितने बजे वहां पर विजिट किया तो वहां पर सामुदायिक शौचालय वहां पर खुला था या बंद था। सामुदायिक शौचालय खुलने और बंद होने के समय की एवं ग्राम प्रधान सचिव केयर टेकर के नाम मोबाइल नंबर की यहां पर पेंटिंग दीवार पर भी अंकन किया गया है कि नहीं, तो उसमें भी हां या ना में जवाब लिखना होगा। तो देखो जो भी जो सामुदायिक शौचालय का केयर टेकर होता है, जो वहां पर उसका मेंटेनेंस करता है पूरा, तो उसका भी मोबाइल नंबर नाम वो सब लिख करके ले जाएंगे। सामुदायिक शौचालय में विद्युत व पानी की उपलब्धता, अब शौचालय है तो जाहिर से बात है पानी की उपलब्धता तो वहां पर होनी ही चाहिए, तो उसके बारे में भी हाँ या नहीं में लिखना होगा। सामुदायिक शौचालय में स्वच्छता की स्थिति कैसी, यानी साफ सफाई है कि नहीं। स्वयं सहायता समूह द्वारा केयर टेकर को किस माह तक का भुगतान किया गया, तो देख रहे हैं ना यहाँ पर कि स्वयं सहायता समूह वाले वहां पर जो शौचालय वाले होते हैं उनको वो भुगतान करते हैं। इसके लिए एक बार सवाल भी उठा था कि पैसे आते हैं उनके अकाउंट में और वहां पर वो उनको फिर देते हैं, तो क्या वो पैसे उनको देते भी हैं कि नहीं स्वयं सहायता समूह वाले, तो इस पर भी वहां पर जो है निरीक्षण होंगे कि स्वयं सहायता समूह के पास जो पैसा आता है जो है सामुदायिक शौचालयों के लिए जो वहां पर केयर टेकर होते हैं लगाए जाते हैं उनकी फीस के तौर पर या उनको देने उनको भुगतान करने के लिए, उनका मेहनताना समझ लो आप। तो क्या सफाई कर्मी सार्वजनिक स्थलों व विद्यालय आदि की नियमित सफाई कर रहा है, तो सफाई कर्मी जो होंगे उनसे रिलेटेड भी वहां पर जानकारी ले ली जाएंगी। तो ये तो हो गया उससे रिलेटेड। अब देखो पंचायत सचिवालय की स्थिति वहां पर भी देखी जाएगी, इसमें पूछेगा कि पंचायत सचिवालय में महिला एवं पुरुष शौचालय और पानी व विद्युत की व्यवस्था है कि नहीं। तो पंचायत सचिवालय बने होते हैं पंचायत भवन टाइप के, उनमें अब पंचायत सचिवालय में बैठक के लिए पर्याप्त फर्नीचर भी है कि नहीं, तो वो भी वहां पर चेक किया जाएगा। पंचायत सचिवालय में कंप्यूटर, UPS, इंटरनेट और प्रिंटर, इसकी व्यवस्था है कि नहीं।
अब आप सब अगर देखें अपने अपने गांव की दशा को तो आप कहेंगे भैया बना तो था हमारे यहाँ पर, शुरू शुरू में व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत ठीक ठाक करा दी गई लेकिन ये सब नहीं लाया गया वहां पर और जो है ऐसे ही सब हो गया। और आज के दौर में आप देखो तो कहीं बकरियां पल रही हैं तो कहीं कोई उसको अपना डेरा बना लिया है इसनी पंचायत सचिवालयों को, जबकि ये गांव के विकास के लिए सबसे बड़ी समझ लो एक तरह से छोटी मोटी जो है पंचायत समझ लीजिए, यहीं पर सारे लोगों के मसले गांव वालों के बैठ करके पंचायत सचिव को सुलझाने होते हैं लेकिन वहां पर जो है सब ये अनदेखियां होती हैं। पंचायत सचिवालय में सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरा एवं सहवर्ती उपकरण आदि की व्यवस्था कैसी है? अब इनके लिए जाहिर से बात है पूछा जा रहा है तो ऊपर से प्रावधान भी रहे होंगे, बजट भी आया होगा लेकिन लगा कुछ नहीं है अगर तो समझ लो जिम्मेदार डकार गए। अब ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, इनका नाम और मोबाइल नंबर, इनकी स्थिति वो सब वहां पर जो है वो सब चेक की जाएगी। अब कार्य दिवस वगैरह जो है अधिकारी जैसे ग्राम सचिव, लेखपाल, इनका रोस्टर का लेखन किए जाने की स्थिति कि वो भी अपना विजिट करते हैं ना किसी न किसी दिन तो उनका भी वहां पर लेखा जोखा। अब देखो हर घर नल से जल, स्वच्छ पेयजल को लेकर के भी सवाल होंगे और उस पर भी पूछ लेंगे। योजना के अंतर्गत स्थल चयन की स्थिति पूछ लेंगे, ट्यूबवेल संबंधी कार्य की स्थिति पूछ लेंगे, ओवर जो है यहाँ पर हेड टैंक वगैरह निर्माण की स्थिति पूछ लेंगे, पंप हाउस निर्माण की स्थिति पूछेंगे, राइजिंग मेन पाइपलाइन की स्थिति, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन की स्थिति, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की संख्या, बाउंड्री वाल निर्माण की स्थिति और लगने वाली सामग्री की गुणवत्ता की स्थिति, सत्यापन के समय कार्यरत लोगों की संख्या, ग्राम में सत्यापन के समय कितने हैंडपंप खराब जो है बताए गए। देखो कुछ चीजें हैं जो आपसे नहीं पूछी जाएंगी जो कि ग्राम प्रधान वगैरह या उन लोगों से पूछी जाएंगी। हम आपको इकट्ठा पूरा बता रहे हैं कि कोई अधिकारी मंत्री विजिट करेगा तो इन सब पहलुओं पर वो जांच करेगा, जिनमें आपका भी आएगा, परेशान मत होना। अब जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से आ गया जुड़ा हुआ, ठीक, अब इसमें है क्या ग्राम में नियुक्त एएनएम की नियमित दिवस को उपस्थिति हो रही है, यदि नहीं तो उनका नाम लिखना है, अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रही तो उनका नाम भी लिख करके ले जाएंगे। अब ये देखो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ा हुआ आ गया, अब एएनएम का काम टीकाकरण वाला यही सब, तो उसी को लेकर के जो नियुक्त हुई हैं क्या वो अपने नियमित जो दिवस उनके होते हैं उपस्थिति वाले, जब जिस दिन जो एएनएम बहनें आती हैं केंद्रों पर तो क्या वहां पहुंचती हैं कि नहीं, क्या ग्राम में आयुष्मान कार्ड एवं परिवार नियोजन के संबंध में जन को जागरूकता प्रदान की गई, साथ ही एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण और दवा वितरण नियमित रूप से कराया जा रहा है कि नहीं, साथ ही एएनएम द्वारा बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से कराया जा रहा है अथवा नहीं, तो इन सब पहलुओं पर पूछा जाएगा। अब चूंकि जाहिर सी बात है टीकाकरण को लेकर के ग्राम प्रधान से थोड़ी पूछेंगे, वो तो आंगनबाड़ी बहन से पूछेंगे क्योंकि वही वहां पर मौजूदा समय में मिल सकती हैं, हर दिन तो आपकी एएनएम आएंगी नहीं तो एएनएम से पूछेंगे, तो यहां पर ये आंगनबाड़ी बहनों से टीकाकरण के संबंध में सब पूछ लेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र की स्थिति पूछ लेंगे, निरीक्षण किए जाने का समय, केंद्र स्थल का नाम और केंद्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों के सापेक्ष वहां पर उपस्थिति कितनी मिली और जो भी अनुपस्थिति होंगे उन सबके नाम और पदनाम भी लिख करके ले जाएंगे। केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों का संक्षिप्त विवरण और उनकी क्रियाशीलता की स्थिति जांची जाएगी, केंद्र पर अनुरक्षण का अनुमानित खर्च और कराए गए कार्यों का विवरण भी देखा जाएगा, उसके बाद फिर गौशाला और चिकित्सा को लेकर के भी वो लोग जो है यहां पर निरीक्षण करेंगे, जैसे कि केयर टेकर का नाम और मोबाइल नंबर, यानी गौशाला जिसके हवाले है जो भी वहां का रखरखाव करता है, ठीक, चारा पानी जो भी है या जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई गौशाला की जिसको हम केयर टेकर बोलते हैं, तो उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, पशु चिकित्सा कर्मी ग्राम में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक, यानी डॉक्टर वगैरह पशुओं के, पशुओं का टीकाकरण किया जाता है कि नहीं, निर्मित गौशाला में संरक्षित गौ जो है गौवंश की संख्या कितनी, निर्मित गौशाला में जल भराव या कीचड़ या गंदगी की स्थिति वो फिर आकलन होगा, निर्मित गौशाला में पर्याप्त शेड का निर्माण कराया गया कि नहीं, गौशाला प्रबंधन के 5 रजिस्टर, दैनिक पशु पंजिका, चिकित्सा पंजिका, सौ और पंचनामा पंजिका और स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, उनकी जो यहाँ पर अधवावधि वगैरह कैसी है, वो क्या गौशाला में भूसा, हरा चारा, चोकर, इनकी पर्याप्त व्यवस्था है, क्या गौशाला में पानी, चरही, विद्युत, जनरेटर, सोलर लाइट, इनकी व्यवस्थाएं हैं, क्या गौशाला में जालीदार, कांटेदार जो है तार बाड़ी लगी है, गौशाला में कोई पशु बीमार तो नहीं है, गौशाला में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, इनका नाम और मोबाइल नंबर, इनका लेखन भी है कि नहीं, ये सब देखा जाएगा। अमृत सरोवर योजना जो थी उससे जुड़ा हुआ भी, जैसे ग्राम में कुल तालाबों की संख्या कितनी है, चयनित तालाब में त्रिस्तरीय खुदाई की स्थिति क्या है और चयनित तालाब में चबूतरा, झंडारोहण
और यहाँ पर जो सली है और पाथवे और बेंच आदि की स्थिति क्या है, चयनित तालाब में जो है इनलेट और आउटलेट की स्थितियां क्या है, चयनित तालाब में पक्की सीढ़ी रैंप और सीआईवी वगैरह की स्थिति क्या है, चयनित तालाब में कराए गए कार्यों के कुल प्राकलन व व्यय का विवरण कैसा है, और यहाँ पर फेंसिंग की स्थिति और क्या फेंसिंग कटीले तार से की गई है अथवा वृक्षारोपण से की गई है, वृक्षारोपण की स्थिति किस प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं तथा उनकी संख्या क्या है, ये सब लिख करके ले जाएंगे।